हेलो बच्चों, ये है गुड़गांव का स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल। इस स्कूल में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, हर साइज, हर उम्र, हर शेप और हर मूड में। कोई खुश तो कोई बहुत खुश, कोई उदास तो कोई बिंदास, कोई पढ़ाकू तो कोई लड़ाकू। लेकिन ये कहानी स्कूल की नहीं है, ये कहानी है इसी स्कूल की एक लड़की सुहानी की। सुहानी सुहानी बड़ी सयानी, नहीं करती ये कोई नदानी, मम्मी पापा की ये दुलारी सबकी है नानी। पर सुहानी है कहाँ? सुहानी को देखा है तुमने? नहीं, सुहानी नहीं मिल रही। आज तो लंच ब्रेक में भी नहीं दिखी। हमने तो टीचर को बता दिया है। हाँ चलो अब सुहानी के पास चलते हैं। ओहो, अच्छा लगता है सुहानी की तबीयत खराब है। हाँ ये रही हमारी सुहानी। सही में इसकी तो तबीयत खराब लग रही है। सुहानी, मैंने टीचर को बता दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनसे कहा है कि तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए। सुहानी? हाँ, ये है इनकी क्लास टीचर। इनका नाम है कल्पना मैम। सुहानी बेटा, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, तुम जूनियर स्कूल बस में जल्दी चले जाना, ठीक है? और ये है सुहानी की माँ। बहुत प्यार करती है सुहानी से। सुहानी, क्या हुआ बेटा, आज आप जल्दी आ गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो बेटा, आप अपने रूम में जाओ और लेट जाओ, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सुहानी की तबीयत ठीक नहीं थी। माँ ने सुहानी का बुखार चेक किया और दवाई दी। शाम हुई, सुहानी की तबीयत थोड़ी बेटर हुई और तभी सुहानी के पापा ऑफिस से वापस आए। वो भी काफी चिंतित थे। कैसी तबीयत है सुहानी की? Is she well? नहीं, कल रात को दवाई दी तो थी, बुखार थोड़ा कम है, आज रेस्ट करना चाहिए उसे। तो क्या स्कूल नहीं जाएगी? Of course not. पहले से पूरी तरह ठीक तो होने दो। मैंने उसकी टीचर से बात की है, उसे रेस्ट करना चाहिए आज। उधर दूसरे कमरे में सुहानी उठी। ये हुई ना बात। मजा आ गया। कौन है? हाय, मैं हूँ। अरे बाप रे, ये क्या? माय हैंड। आई एम योर हैंड, आपका हाथ जो हमेशा रहता आपके साथ। लेकिन तुम तो बोल रहे हो। यस, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हमेशा नहीं बोलता हूँ। जब जब जरूरत पड़ती है तब बोलता हूँ। सुहानी, कैसी हो? अकेले में क्यों बोल रही हो? क्या सीन है? कुछ नहीं डैड, उसे स्कूल प्ले के रिहर्सल कर रही थी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। हाँ, ठीक हूँ डैड। ओके ओके, टेक केयर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मम्मा बाजार जा रही है और दादी अभी आ जाएंगी। ओके। मैं तो बहुत हैरान हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। मैं चलो
मैं ही अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। हाँ हाँ बोलो। मैं हूँ एक हाथ। हाथ? लेकिन यू कैन टॉक? Yeah, but sometimes I wish I could walk. और अब मैं बता दूं क्यों मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों? बोलो ना क्यों? Because I like you. Thank you. अब सुनो ध्यान से, क्यों हुआ बुखार तुझे? मुझे तूने नहीं धोया, कीटाणु का रास्ता तूने खोला, जर्म्स का रास्ता तूने खोला। पतले कुछ मोटे। बाप रे, कहाँ है वो? क्या वो भी बिस्तर पे सोते? कुछ छोटे कुछ मोटे लेकिन आँख से नहीं दिखते, जब भी तुम्हारे अंदर आते तुमको बीमार कर देते। ओ नो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कभी डस्टबिन पे, कभी बाथरूम में, कभी दरवाजे के हैंडल पे, पेंसिल पे, कभी स्कूल बस की सीट पे, कभी स्किपिंग रोप तो कभी बिस्तर पे। अच्छा, लेकिन हाउ डू दे एंटर द बॉडी? थ्रू मी। मेरे जरिए। रोको इनको, कुछ तो करो। मैं समझी नहीं, अगर आपने, मेरा मतलब है हाथ के जरिए अगर जर्म्स बॉडी में घुसते हैं तो उन्हें कैसे रोके? बताओ ना कैसे रोके? सुन लो दुनिया वालों, ये हाथ क्या बोले? अगर जर्म से बचना है तो फिर हाथ धोले। लेकिन हाथ तो मैं भी धोती हूँ, तो फिर मेरी तबीयत क्यों खराब हुई? हाँ, हाथ तो तुम धोती हो, पर जरूरी है ठीक से हाथ धोना। ये बात है। अच्छा बताओ कि जर्म्स बॉडी में घुसे कैसे? ये सब इस हाथ ही का कमाल है। हो सकता है कि तुम हाथ धोना कई बार भूल गए, या जैसा मैंने पहले कहा, तुमने हाथ ठीक से नहीं धोया होगा। ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर ठीक से हाथ धोगे तो जर्म्स को दूर भगाओगे, अगर जर्म्स को दूर भगाओगे तो अपने को स्वस्थ बनाओगे। हाथ धोना, जर्म्स, स्वस्थ, दूर भगाओगे, ओहो, ठीक से समझाओ ना प्लीज। ला 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 ला। चलो हम लोग देखते हैं कि पिछले 7 दिनों में तुमने कहाँ कहाँ से हाथ नहीं धोया। ला 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 ला। अच्छा ठीक है, चलो बताओ। टॉयलेट गए, नो प्रॉपर हैंड वॉश, कूड़ा फेंका, नो हैंड वॉश, डॉगी के साथ खेला, हाथ नहीं धोया, शोर से छींका, हाथ नहीं धोया, कंप्यूटर पे काम, नो हैंड वॉश, खाना खाया, हाथ नहीं धोया, धूल में खेला, हाथ नहीं धोया, बैडमिंटन खेला, नो हैंड वॉश, पेंटिंग किया, नो प्रॉपर हैंड वॉश, घर आके खाया, ठीक से हाथ नहीं धोया। और इसी तरह हजारों जर्म्स घुस गए अपनी सुहानी के अंदर। तो ऐसे आते हैं कीटाणु, ये अब मुझे पता चल गया। हाँ,
हाथ धोने से बीमारी नहीं होती। कितनी अच्छी बात है ना? और जानती हो, अगर तुम हाथ ठीक से नहीं धोगे तो बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे? जैसे पेट की बीमारी, डायरिया, खांसी, जुकाम, बुखार, स्किन की बीमारियां और बहुत कुछ। अरे, यानी हाथ को धो, जर्म्स को दूर भगाओ और बीमारी को बोलो बाय। समझ गई। और इस मैसेज को औरों तक भी हमें पहुंचाना चाहिए, तो क्यों न कल अपने दोस्तों को स्कूल में भी इसके बारे में बता दो। गुड आइडिया। मेरी तबीयत तो बेटर लग रही है। कल स्कूल जाऊंगी तो अपने फ्रेंड्स और क्लास टीचर सबको बताऊंगी। एक नया दिन, एक नई सुबह और सुहानी में एक नया जोश। अगले दिन वो स्कूल गई और उसका हाथ भी साथ गया। हेलो मैम। हेलो सुहानी, तबीयत ठीक है अब आपकी? हाँ, और मैम मैं बताऊँ मैं बीमार क्यों हुई थी? हाँ बताओ। बच्चों, गुड मॉर्निंग मैम। आज की क्लास बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। yeah! और सुहानी और मैं तुम्हें इस गाने के जरिए कुछ सिखाएंगे। सॉन्ग, वाओ, बड़ा मजा आएगा। सॉन्ग, डांस और कुछ सीखने को मिलेगा। वाओ, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चों, तुम्हें पता है सुहानी का पेट बहुत खराब था। तो आज सुहानी और मैं तुम्हें बताएंगे कि उसका पेट क्यों और कैसे खराब हुआ। बताइए बताइए। क्या है कीटाणु मैं न जानूं, उंगलियों से कोहनी तक, how many germs can there be? I don't know, maybe 20 or 30. जर्म्स है इतने छोटे तुम देख भी नहीं सकते। उधर भी है जर्म्स। हाँ, हर तरफ है जर्म्स। सुनो सुनो सब, बतलाती हूँ जर्म्स की कहानी। ये बॉडी में घुस जाए तो याद दिलाती है नानी। मेरी नानी तो बहुत अच्छी है। हमारी बॉडी में बाथरूम, मिट्टी, खाना, धूल। हम बताते हैं, ध्यान से सुनो। बताओ बताओ। हाँ बताओ ना। बाथरूम गई हो लेकिन हाथ नहीं धोया, लो जर्म्स अंदर घुसा 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 घुसा। थोड़ी सी हुई खुजली लेकिन हाथ नहीं धोया, लो जर्म्स अंदर घुसा 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 घुसा। टॉमी या लोवर से खूब खेला फिर अगर हम ठीक से धोएंगे तो जर्म्स को मारेंगे घुसा। ब्रेक टाइम। टीचर ने अब सब बच्चों को बताया कि लंच के बाद सुहानी सबको ये बताएगी कि हाथ ठीक से कैसे धोने चाहिए। पूरे स्कूल में हलचल मच गई। सब एक दूसरे से हैंड वॉशिंग के बारे में बात कर रहे थे। हाथ धोने पर भी बीमारियां तो होती है, तो फिर कैसे की जाए प्रॉपर हैंड वॉशिंग? सबके मन में सवाल थे, लेकिन सुहानी थोड़ी परेशान थी। अब जर्म्स क्या हैं? ये तो पता है, कैसे आते हैं ये भी पता है, पर क्या हाथ धोने का कोई तरीका है? बहुत बार धो, जोर से घिसो, ज्यादा पानी,
पता नहीं। सुहानी परेशान बैठी थी। भी? सुहानी परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो हम आप सबको बता दें, हमारा जादू दिखा दें। अच्छा ठीक है। हेलो मैम। हाय सुहानी। चलें प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बारे में सबको बता दें। मुझे कुछ नई बातें पता चली हैं कि हाथों को कैसे धोना चाहिए। ये तुम्हें किसने बताया? एक दोस्त ने। मुझे सब कुछ पता है प्रॉपर हैंड वॉशिंग के पूरे 6 स्टेप्स। सुहानी तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। चलो मैं सबको बुलाती हूँ और उन्हें मिलकर बताएंगे, ठीक है? ये थी सुहानी की लाइफ की एक अहम घड़ी, जब उसने सबको ये बताया कि हाथ को किस तरह से धोना चाहिए। चलो बच्चों अब मैं और सुहानी तुम्हें बताएंगे कि हाथ ठीक से कैसे धोते हैं। तुम में से 5 बच्चे टैप के पास आ जाओ और बाकी सब ध्यान से देखो। क्या तुम तैयार हो? Yes, अब हम दोनों आप सबको बताएंगे प्रॉपर हैंड वॉशिंग के पूरे 6 स्टेप्स। स्टेप 1, क्या करें आप? हाथ गीले करो, साबुन लगाओ और मलो। सुहानी ने हैंड वॉशिंग के बारे में बहुत लोगों को सिखाया। वो सबकी फेवरेट बन गई। जो भी उसे देखता वो यही कहता, सुहानी सुहानी बड़ी सयानी, नहीं करती ये कोई नदानी, मम्मी पापा की ये दुलारी, सबकी है ये दिल की रानी। सुहानी तो अब सीख गई और उसने सबको सिखा दिया, तो मैं अब चला सबको बाय बाय बोल के। क्या तुम बच्चों जो ये कहानी देख रहे हो, क्या तुम्हें भी समझ में आ गया?
या फिर आ जाऊं तुम्हारे पास मैं समझाने। दिस फिल्म इज ब्रॉट टू यू बाय डेटॉल। बी 100% श्योर।